हरिओम। हमारी संस्कृति कैसी है ये भगवान जी की कृपा से सब जगह से समझ आती है ना। तीसरा नेत्र देता है गुरु, और फिर देखो हमारा चतुर्मास बनता है गुरु पूर्णिमा के बाद से। इन चतुर्मास में 4 महीनों में क्या क्या होता है। श्रवण महीना आता है शिव जी का, पूरा परिवार आता है उनका इसमें। उसमें फिर विष्णु चले जाते हैं पाताल में उधर, और इनको सौंप जाते हैं सारा। सो 1 month इज़ फुल फॉर दिस। फिर उसके बाद उनका बेटा आ जाता है, गणपति जी आ जाते हैं 10 दिन। फिर उसके बाद पितृपक्ष आ गया, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनकी दुआएं हमें लगें। पहले विघ्नहर्ता आ गए, शिव जी को खुश कर दिया, फिर गणपति को खुश कर दिया। फिर उसके बाद आए पितृपक्ष, जहाँ हमारे ऊपर जो पितर बिना ज्ञान के बिना गुरु के जो गए हैं उन्हीं के ही हमें श्राप लगते हैं ना। ज्ञान वाले अगर मुझे बोलो तो मैं थोड़ी किसी को श्राप दे के जाऊँगी या ऊपर से दूंगी, क्योंकि गुरु नहीं मिला था किसी को। उनको खुश करने में लगते हैं 16-15 दिन। फिर वो ख़त्म होते हैं जब हम बुजुर्गों को पूजते हैं, दुआएं लेते हैं। फिर देवी भागवती आती है, नवरात्राज आते हैं, फिर हमें वो दिखाते। सब में गुरु ज्ञान से सीखने की कोशिश किया करो प्यारे बच्चों। ऐसे तो पूछते रहे हम जब गुरु नहीं मिला था, जय माता दी ये सारी जगह कर ही रहे थे हम, देवते 30 करोड़ देवताओं को पूज रहे थे। फिर गुरु के अंदर ये सारे आ जाते हैं। फिर उसके साथ हम ज्ञान से देखते हैं कि ये 9 दिन नवरात्रों के जो आए हैं वो क्या है। लोग अखंड दीपक जलाते हैं, इसका भी मीनिंग समझो। क्या 9 दिन के लिए ज्योत जलनी चाहिए? गुरु बताता है तेरा दीप ज्योत से ज्योत जलाओ। अपने अंदर जो दीपक है वो बुझा तो फिर क्या हुआ घर में? वो दीपक हमारा जलता रहे, वो लो हमारी जलती रहे, ये मीनिंग हुआ अखंड दीपक। वहाँ कितनी वाइब्रेशंस हो जाती है, सात्विकता कितनी होती है। 9 दिन तक बड़े से बड़े लोग भी नॉनवेज छोड़ के, लहसुन प्याज छोड़ के, इन पवित्र दिनों को ये जनरल लोगों के लिए बनाया, लेकिन पता चले कि क्यों पवित्रता सिर्फ 9 दिन के लिए ही हम लहसुन प्याज ये सब छोड़ेंगे, सात्विक खाना फिर बाद में शुरू हो जाएंगे। सब जगह डिविनिटी जो होती है, अध्यात्मता, ये कैसे आएगी हमारे में? प्योरिटी कैसे आएगी? आत्मा का गुण ही है, तभी तो ये आगे उभरता है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन बुद्धि ये सब कैसे सुधरेंगे? इनमें प्योरिटी कैसे डालेंगे हम? ये 9 दिन में, मैंने तो बोला ना पहले भी, पिछली बार नवरात्रों में भी शायद बोला था, मैं बहुत कुछ करती थी। हम उस परिवार से हैं जहाँ हमें ये सब नहीं दिया जाता था, लहसुन प्याज भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो भगवान के बाद पता चला ब्राह्मण कौन जो ब्रह्मा की चर्चा करे। नहीं तो ब्राह्मण ब्राह्मण समझ के ठीक है, कास्ट तो हो गई, आगे ब्रह्मा का मुख नहीं है, चर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम कौन से ब्राह्मण हुए? तो ब्राह्मण माना, ब्रह्मचारी माना, जिसने ब्रह्मा का आचरण रखा है। तो मैंने जब पढ़ा, रावण ने इतनी तपस्या करता था 9 दिन कंदमूल खाकर, फिर भी उसकी वासना नहीं गई थी, औरतों को ही पकड़ता था, राम जैसे की पत्नी को भी पकड़ता था। फिर मैंने गुरु मिला तो मेरे को इन सब चीज़ों की समझ आई। माहौल बनाना होता है, हमने हर चीज़ का माहौल, ये माहौल बन जाता है। ऐसे घर में अपने माहौल रोज़ का रोज़ होना चाहिए। मंत्रास चल रहे हैं, किचन में भी चल रहे हैं, खाना ओम ओम करके बन रहा है, ऐसा भूल क्यों जाते हैं हम? तो नवरात्रों में और माहौल हो गया सात्विकता का। फिर हम किसका आवाहन कर रहे हैं? अभी वो देवी जो ऐसे गुस्से वाली लगती है, अस्त्र शस्त्र पकड़े हैं उसने, और चरणों में नीचे देखो तो वो मार रही है, मुंडों की माला पहनी हुई है, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या वो देवी फिर वो हिंसा वाली है, असुरों को असुर वाली है वो? इसको ध्यान से समझेंगे तो और हम जाग जाएंगे ना। मैं भी तो ऐसी ही रहूंगी फिर घर में। विकारों को कैसे दिखाया है ये सारा, हमने क्या करा हुआ, इसका मीनिंग क्या है? हमने असुरों को अंदर जगाया हुआ है। अगर हमें भगवान जी मिल गए, ज्ञान मिल गया, मेरे देवी संपदा के गुण ऊपर आए, कर्म कहानी दिखा दी। मैं तो सोचती हूँ भगवान जी बार बार जल्दी जल्दी आओ और दुनिया को दिखाओ सारा कि क्या कितनी जरूरत है आपकी, क्या प्यारा ज्ञान है। फिर भी हम नहीं समझे, खुशी खुशी से कर्मों को नहीं काटे हम।
रोते ही रहे, आप बोलते ही रहे, नहीं हो रहा, क्यों? क्यों क्यों सहन करने की शक्ति नहीं है मेरे में, क्यों सामना करने की शक्ति नहीं? 9 दिन में आप सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, हम वी डोंट, हम कनिंगनेस से परखते हैं, जज करते हैं दूसरों को, हमें डिसीजन लेने का पता नहीं, निर्णय शक्ति नहीं है हमारे पास, सहयोग देने की शक्ति नहीं है। मैं ही मे डाई आई मे लिव, यू मे डाई आई मे लिव करके चलते हैं। ये सारी शक्तियाँ हमको, इनको जगाना है, सारे साथ के साथ चक्कर है, इनको जगाना है। हर साल आते हैं और हम इतना, हम उधर के उधर ही बैठे रहे, वही करें, लाल चुनरी चढ़ा दी, ये कर दिया, माता रानी को चूड़ियाँ दे दी, ये दे दिया, शक्ति को नहीं पहचानना। औरतों के शेर की सवारी कर रही है, औरत को शेर जैसा ही संग चाहिए ना साथ में। डिविनिटी के लिए ही सारे त्यौहार बनाए गए हैं, सो दैट हम अपने को कंट्रोल करें। चतुर्मास में कितने लोग छोड़ देते हैं, अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ छोड़ देते हैं, जस्ट उसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होगी, लेकिन उसमें छोड़ना क्या था? बाकी तो मीठा छोड़ना, ये छोड़ना, रसगुल्ले छोड़ना, खाना छोड़ना, सब आसान है। मेरी मन बुद्धि अहंकार काम क्रोध मोह लोभ इस 4 महीने में मैं नहीं करूँगी, मैं किसी गुरु की शरण में जाऊँगी, वो जो बोलेगा मैं वो करूँगी, ये नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें कर लेंगे। 9 दिन हम जागरण करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों करते हैं दिन में, क्यों नहीं करते हम? अज्ञान की नींद से जागना है हमको, अवेकनिंग होती है ये। जागरण का माना जागो, और गुरु मिलने के बाद भी नहीं जागे, और फिर त्योहारों से भी नहीं सीखे, हम वही करें जो संसारी लोग कर रहे हैं सारे। व्रत को, खाने पीने का व्रत को रखा गया है, किस किसका व्रत? गुस्सा नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, सुबह सुबह हम मेडिटेशन ध्यान में बैठेंगे, 9 दिन शांत हो जाएंगे लोग, मौन, मैं भी करती हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था, अभी फिर करूँगी, 9 दिन चुप शांत, सिर्फ आपको वाणी देके 9 दिन अपने उसमें रहो, शांति में रहो, अपने विकारों का पता चलता है, अपने ध्यान समाधि में रहेंगे, समाधि माना अपने इन विकारों को देखने के लिए। लिविंग इन डिसिप्लिन, विल पावर बढ़ता है, डिसिप्लिन बनता है लाइफ का ये। और सारे बोलते क्यों नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज, क्यों नहीं खाना चाहिए ये? अरे उसे इतने धरती से निकलते हैं, इनको रूट वाला माना जाता है, एक खाने से बुद्धि में वो आता है। इन दिनों खासकर हमने पवित्रता भी लानी है, तामसिकता आती है, भक्ति में मन नहीं लगेगा, देखना आप करके देखो। हम जो भोग भगवान को नहीं लगाते हैं वो हमने नहीं खाना है। लगाते हो भगवान प्याज दाल में पड़ा हुआ खाना, जो भगवान को लगाओगे कौन सा खाना देते हैं? तो हमारे अंदर जो भगवान बैठा है उसको क्या देते हैं हम? बुद्धि वरिष्ठ होती है हमारी, सात्विक माहौल बनाना है। सिर्फ 9 दिन के लिए क्यों, जीवन भर के लिए क्यों नहीं प्रतिज्ञा लेनी है? यही तो मन सुधर जाएगा ना फिर हमारा। मैं पावरफुल शक्ति हूं, शक्ति है औरत। छोटी छोटी देवियों को पूजते हैं, लड़कियों को, क्योंकि इनोसेंट होती हैं। 1 साल की लड़की, 9 तक लड़कियों को पूजा, आजकल की 9 लाख की लड़कियां भी गई काम से, 2 साल की लड़की देखो चालाक बन गई है, बच्चा अभी किसको मानो कुछ भी, पीरियड्स भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। पहले छोटा पैदा, पहले 1 साल की लड़की से लेकर 9 तक उनको पूजा जाता था, बिकॉज दे वर इनोसेंट। सो हमें जीवन में सात्विकता 9 दिन के 9 दिन चलानी तो है, लेकिन इसको फिर हम प्रतिज्ञा कर लेंगे पूरी जिंदगी मैं ऐसे जीऊंगी। फिर दीवा आ गया, अखंड दीपक। दीवा माना दिया, दिया दिया, मैंने दूसरे को प्यार दिया, मैंने दूसरे को सहयोग दिया, सबको दिया, हमेशा हमेशा देना, मैं देवता हूँ, देने वाली हूँ, भिखारी नहीं है, लेने के लिए हाथ उड़ाया हुआ है हमने, हमेशा भिक्खू नहीं है, दादा लक्ष्मी भगवान ने हमें क्या बनाया है, देने वाला, वाणी ज्ञान देना है, ज्ञान का यज्ञ है, प्यार का यज्ञ है, सहयोग का यज्ञ है, आई मे डाई यू मे लिव का यज्ञ है। ये वाला जाग जाए हम, व्रत लिया हमने, कोई रिश्ता खराब नहीं हो रहा है, अच्छे बन जाते हैं, हारमनी। ये जो घर में भी देखो, तुम हार जाओगे, नहीं भी गलती भी नहीं भी है तो भी हम हार गए तो हारमनी आ गई हमारे में। फिर देखो उसके बाद गुजरात में है, गरबा करते हैं, अगर हमने किसने डंडे पकड़े हो तो क्या हो, हम एक दूसरे को मार रहे हैं, कैसा माहौल लगता है वो
वो हमारे अंदर असुरी स्वभाव है। प्यार से दो दो लोग डंडे से प्यार से नाच रहे हैं, हारमोनी ला रहे हैं, रास गरबा कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर डिविनिटी जगा रहे हैं। अध्यात्म ये है, ज्ञान से आपको बताती हूँ मैं, ये पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा शुभ नाम, चौथी कुशमांडा सुखदाम, पांचवी स्कंद माता, षठी कात्यायनी विख्याता, सातवीं कालरात्रि मां माया, आठवीं महागौरी जग जाया, नौवीं सिद्धिदात्री जग जाने, ये बताया 10 हमारे 10 द्वार वाले हम हैं, दशमेश हैं हम, उन सबको ऊपर तक जगाना है, 9 के 9 दिन हमारा सहस्त्र चक्र जग जाए। पहले शैलपुत्री जो बाहर संसार के लिए दिखाया है, हमारा मूलाधार चक्र है। आप शांति से घर का काम करा, 9 दिन बोलो मैं बोलूंगी नहीं, इशारे से बात कर लो, लेकिन अंदर मन चल रहा है उसका क्या है? ऐसे तो बड़े लोग देखे बैठे हुए, मोनी बाबे बैठे हुए, किसी काम के नहीं है, वो मत बनना। हमारे भगवान जी ने ये सब नहीं बनाया है, मोनी बाबा है वो, मतलब ही नहीं है संसार से, मरे जिए हमें मतलब नहीं है, सत्संग में आके हमें किसी से मतलब नहीं है, हमने जी मौन धरा हुआ है। मैं इन लोगों से इम्प्रेस नहीं होती हूँ, जो सब तुम करके तो जाओ कुछ, वो अपना सुख ले लिया, अपनी एनर्जी बचा ली, दूसरे के लिए तुम इतनी एनर्जी भी नहीं लगाते हो। सालों साल मौन बन के बैठे, हम 9 दिन करेंगे, वो जन्मों से मौन बन के बैठे, कुछ है ही नहीं, विद्या ही नहीं उनके पास, सरस्वती ने नहीं दिया है उनको कुछ भी, लक्ष्मी है तो सरस्वती नहीं है। मैं तो बोलती हूँ लक्ष्मी चाहे नहीं हो, सरस्वती होगी, वो कितनी लक्ष्मी बना सकता है, नहीं तो आई हुई लक्ष्मी भी चली जाती है जब हमारे पास ये विद्या नहीं है। तो इतना प्यारा प्यारा ज्ञान है ये, आप सीखते जाइए, आपके चक्षु खुल जाए कि सारा मीनिंग बताया है जागरण का, दिवे का, नौ दिनों का, सात्विकता का, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना है, माहौल कैसा बनाना है हमने शुद्ध बुरा। प्यारे प्यारे भजन हैं हमारे ऐसे वाले, भजनों में मन लगा के बैठो, और कुछ नहीं है तो खाली भगवान जी बोलते थे भजन गाते रहा करो, 9 दिन नवरात्रों में भजन लगाए रखा करो, मन ठीक रहे। आजकल वैसे भी कैसे माहौल हो गया है, धीरे धीरे कली के वास के कारण हम सतयुगी आत्माओं के घर तो नहीं होने चाहिए ऐसे, ये बाकी सारे हैं, आप तो हो ना उस घर में, उनके ऊपर भी शायद थोड़ी बहुत वाइब्रेशन तो जाएगी अगर वो असुरी स्वभाव वाले आपके घर में हैं, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाए, आप मन चलाओगे वो भी मन चला रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, इधर भी वही नेगेटिव वाइब्रेशन गई, यही वाणियाँ तो चला रहे हैं। हमारा ज्ञान क्यों बोलते हैं, सबसे बढ़िया ज्ञान है डे टू डे लाइफ में गीता का ज्ञान, हमने कैसे अप्लाई करना है। इधर कमरे से निकल रहे हो, दूसरा उधर से नेगेटिव वाइब्रेशन लेके, ज्वाइंट फैमिली में देखो कितने कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, हमको पता चलता है कि क्या है ये सब, हमें ही साफ करना है अपने को, मैंने अपनी शक्ति देनी है अपनी, मेरी आत्मा की डाइट क्या है, आत्म भोजन क्या है, बाकी तो डाइट कर लिया, डाइटिशियन हो गई, स्लिम रहना है, मोटापा खत्म करना है, विटामिन्स खाने हैं, व्हाट अबाउट द आत्म भोजन। गुरु का पहले सुबह सुबह हम सत्संग जाते थे, पहले अपने लिए भोजन लेना है तभी आपको ऊपर तक ले जाएगा, औरों के लिए बनाएगा ना। इतना प्यारा ज्ञान दिया, बच्चों वालियों के लिए बताया, लव कुश हैं, तुम सीताराम हो, वो ब्यूटीफुल इटी, शिव पार्वती हो, कार्तिकी गणेश हो, राधा हो, सीता हो, पति राम है, बनो तो सही फिर कुछ, तुम शारदा माता हो, वो परमहंस है, ऐसे क्या मजाक है फिर मेरे को, तुमसे क्या लगता है, हम इतने बड़े चुने गए ब्रह्मांड में नीचे धरती पे और हम ऑर्डिनरी जैसे लगे। ठीक है, ये पहले दिन का ज्ञान दिया है आपको सारी चीज़ों का, अभी इसको रोज़ 9 दिन देखना, जिन्होंने अखंड दीपक जलाए भी फिर भी 9वें 10वें दिन देखना, उनके दीपक बुझे ही होंगे, जो गुरु का नहीं है, ज्ञान नहीं समझता है, ऐसे ही ज्ञान 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 उसको भी छोड़ो, ऐसे में जागो, अपनी भक्ति में रहो, गुरु भक्ति में रहो, सब कुछ मिल जाता है। हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद, हैप्पी नवरात्रे सबको, भगवान करे सबकी शक्तियाँ जगे, मीनिंग समझाया है आपको, वो भी करो, दुर्गा सप्तशती भी करो, भजन भी करो, मंत्र भी कर लो जी, जिनका जितना जितना अंतःकरणीय है, लेकिन ज्ञान तो सबसे बड़ा तो ज्ञान है ना। 60,000 तपस्या करने के बाद विश्वामित्र को कोई ज्ञानी नहीं समझा गया, और वहाँ वशिष्ठ को आधे आधे मिनट का सत्संग जो हमें अपनी धुलाई करता है उसको महर्षि कहा गया, ब्रह्म ऋषि कहा गया। खूब सारे आशीर्वाद, मजा करो 9 नवरात्रों में, खुशहाली लाओ अपने परिवार में, अपने में। हरिओम।